बाद श्रीनगर कॉलोनी में पीजीआई की जमीन, जो पीजीआई की जमीन है उस पर हम वो रोहतक के पहरावर जमीन को लेकर छिड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तो ये विवाद मीडिया के सामने दिखाई देने लगा है। मौका था रोहतक में आयोजित पूर्व डिप्टी सीएम मंगल सेन की जयंती कार्यक्रम का, जहां भाजपा सांसद अरविंद शर्मा के साथ साथ पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर भी मौजूद थे। इस दौरान कार्यक्रम के बाद मनीष ग्रोवर मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे और रोहतक के एलिवेटेड रेलवे ट्रैक के बारे में बता ही रहे थे कि पीछे से भाजपा सांसद अरविंद शर्मा ने उन्हें टोक दिया और कहा कि ऑर्बिटर कॉरिडोर के बारे में पूछ लो। जिनके मकान है वहाँ श्रीनगर कॉलोनी में पीजीआई की जमीन, जो पीजीआई की जमीन है उस पे हमने वो ऑर्बिटल कॉरिडोर के तो पूछ लो। ऑर्बिटल कॉरिडोर ये रहे कौन है? 5,500 करोड़ का सिस्टम बन रहा है। ऑर्बिटल कॉरिडोर तो पूछते हैं, पूछा क्यों ना? आज देश के बहरहाल रोहतक भाजपा में इन दोनों नेताओं के बीच मनमुटाव और मतभेद किस कदर है, इसका अंदाजा तो आप इनकी बातों से लगा ही सकते हैं। ऑर्बिटर कॉरिडोर के बारे में अरविंद शर्मा ने कहा कि इस प्रोजेक्ट में 5,000 करोड़ रुपए लगे हैं। इस दौरान अरविंद शर्मा के मुंह से सबके सामने अपशब्द भी निकल गए। बहरहाल देखना होगा कि ये मामला जब भाजपा आला कमान के पास जाएगा तो वहाँ क्या कार्रवाई होगी। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।